जी हाँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या स्कैल्पिंग की जा सकती है? क्या वाकई 1 मिनट के अंदर में इतनी सारी मूवमेंट हो जाती है कि आपके स्टॉप लॉस कट हो जाए? जी हाँ, मैं आपसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज उसको हम टाइम फ्रेम चेक करेंगे 1 मिनट का, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आसानी से उसके बॉटम और टॉप पे काम कर पाएंगे, आसानी से उसमें ट्रेड कर पाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। प्योर हिंदी में रखा है इस वीडियो को ताकि सबको समझ में आए। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब क्या चाहिए? ये देखिए, नॉर्मल कैंडल्स इस तरह दिखाई देती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि नॉइस क्या है, कि कब बाइंग हो रही है, कब सेलिंग हो रही है। उसके बाद अगर आप हेकनेशी को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हेकनेशी आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन देता है। फिर आना है टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का। जी हाँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लिक कीजिए, ऑटो पे क्लिक कीजिए और रेडी हो जाइए स्ट्रेटजी के लिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 ही तरह की कैंडल्स होती हैं जिसको हम हेकनेशी कहते हैं। एक रहती है बुलिश हेकनेशी, एक होती है बेरिश हेकनेशी, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये है हमारी बुलिश हेकनेशी। ये सभी बुलिश हेकनेशीज हैं। कौन कौन सी हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी लोअर विक नहीं है। वैसे ही ये पार्ट है हमारा बेरिश हेकनेशी का, ये 3 कैंडल्स, क्योंकि इनमें ऊपर का विक नहीं है। और बाकी जो भी आपको दिखाई दे ऐसी कैंडल, चाहे रेड हों, चाहे वो ग्रीन कैंडल्स हों, जिनके ऊपर नीचे दोनों विक्स हों, ये रहेंगी इनडिसीजन कैंडल्स। अब करना क्या है? सबसे पहले आपको ऐसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है जो आप समझ सके। अब करना क्या है? करना यह है कि आपको ये देखना है कि आप किस ट्रेंड में ऑलरेडी है, तो आपको वेट करनी है आपके ट्रेंड के एग्जॉस्ट होने की। जी हाँ, ट्रेंड में राइड नहीं करना। इससे क्या होगा? इससे पेशेंस पैदा होगा, इससे अच्छे ट्रेड मिलेंगे और आप सही से काम कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल, आप इस अप ट्रेंड में थे, यहाँ से बदल अप ट्रेंड में था, तो आपको इस ट्रेंड के एग्जॉस्ट होने का वेट करना है, मतलब बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो। अब बियरिश कैसे स्टार्ट होगा सब बताता हूँ, वेट कीजिए। और जब आप डाउन ट्रेंड में हैं, तो डाउन ट्रेंड में है तो आपको वेट करना है आपको बुलिश सिग्नल आने का। उतना वेट तो करना पड़ेगा, अगर आप उतना वेट नहीं कर सकते तो आप पैसा नहीं बना सकते, ये गारंटी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका ट्रेंड अप था, सभी बुलिश हेकनेशी कैंडल आपको मिल रही थी, आपको यहाँ पे वेट करना है या तो बियरिश कैंडल मिले। बियरिश कैंडल कैसी होगी? ये देखिए, यहाँ से उठा के मार खाते, या तो आपको बियरिश कैंडल मिले या बियरिश सिग्नल मिले। सिग्नल कैसा हुआ? मतलब जब सभी सभी ग्रीन हेकनेशीज आपको मिल रही है, वहां पे एक रेड कलर का इनडिसीजन कैंडल, उसका बियरिश सिग्नल हुआ। मतलब दो तरह की स्ट्रेटजीज होगी, दो तरह के सेटअप हो गए। एक सेटअप में आपको इनिशियली ही सीधा बियरिश सिग्नल मिल जाता है, ये अलार्म है, अलर्ट है, और फिर वो फॉलोअप होता है आपकी बियरिश कैंडल के साथ में। दूसरा है कि बियरिश कैंडल स्टार्ट हो जाती है और सेकंड फॉलोअप कैंडल भी बियरिश ही हो जाती है। मतलब ये सेटअप, यहाँ पे बियरिश कैंडल है, कोई ऊपर विक नहीं है, सेकंड बियरिश कैंडल स्टार्ट हुई, तो आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं। एक कैंडल ग्रीन मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जिट कर जाना, आपको फॉलोअप कैंडल होना बहुत जरूरी है। यहाँ फॉलोअप फेल हुआ, बियरिश कंटिन्यूशन हुआ, या फिर एक बाइंग कैंडल आई, पर बाइंग का फिर फॉलोअप फिर एक बियरिश इनडिसीजन से हुआ, इनडिसीजन। अब यहां तक आने के बाद में देखिए, यहां तक आने के बाद में अगर ध्यान से देखें, इस एरिया पे एक बियरिश ट्रेंड में एक सिग्नल मिला, बाइंग का सिग्नल, और उसके बाद में सेकंड कैंडल है हमारी बुलिश कैंडल, तो यहां आप ट्रेड ले सकते हैं। ये जो 751 पे शॉर्ट किया था, तो यहां पे ऑलमोस्ट 738 के आसपास में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यहां पे टॉप पे आप पुट प्लान कर सकते हैं एट द मनी या इन द मनी, और उसका एग्जिट यहाँ पे हो सकता है। अब ये छोटा सा ट्रेड, आप कहेंगे सर यहाँ तो स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हर कोई स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, पर इस स्ट्रेटजी मोर देन 90% काम करती है। अगर आप रेट टू रेट भी इस एरिया में निकल जाते हैं, इस एरिया के अंदर में आपके रेट टू रेट एग्जिट भी होते हैं, तो भी यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा जब ट्रेंड आपको फॉलोअप करने को मिलेगा, तो देखिए दोबारा से आपको कैंडल कहाँ पे मिल रही है, दोबारा से सिग्नल जो आपको मिला है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये बेरिश सिग्नल है, बेरिश सिग्नल है और ये कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे। और हेकनेशी की ब्यूटी क्या है, नेक्स्ट जो कैंडल है वो पिछली कैंडल की बॉडी के मिड से खुलती है। आप यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं, टाइमर लगाने का मतलब जब आखिरी के 10 सेकंड रह जाएं, आखिरी के 10 सेकंड का खेल है, तो आप ये देख सकते हैं अगर पहले ही ऐसी कैंडल बनी है जो बेरिश है, जिसका विक नहीं है, और आखिरी के 10 सेकंड में भी वो बेरिश ही है, तो आखिरी के 8-9 सेकंड में ऐसी कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी जो उसको बुलिश बना देगी। तो यहाँ पे आप कहीं भी इस मिड पॉइंट पे 733 के आसपास में शॉर्ट ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते हैं 733 के आसपास में, तो ये आपका कंटिन्यूशन है। कहाँ तक कंटिन्यूशन? देखिए, ये आपको बुलिश अलर्ट आया, बट फॉलोअप कैंडल बुलिश हेकनेशी से नहीं है, फॉलोअप कैंडल बुलिश होनी चाहिए, नहीं हुआ, इनडिसीजन, कंटिन्यूशन। यहाँ भी, यहाँ तक पूरा कंटिन्यूशन है, पूरा कंटिन्यूशन यहाँ तक। मतलब कितने पॉइंट्स आपको मिले, देखिए यहाँ से यहाँ तक 633 से 693, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स निफ्टी, मतलब 2000 पे आराम से बनाए जा सकते। चलिए इसको बैक टेस्ट करते हैं, क्या कहीं भी काम करता है?
अब आप कहेंगे सर ये तो आपने सेटअप अपना बना के रखा है, मैंने कोई सेटअप नहीं बना के रखा है। देखिए अगर यहाँ पे हम कहते हैं ये एक बुलिश सिग्नल था और ये बुलिश सिग्नल था, कन्फर्मेशन यहाँ पे हुई, आखिरी के 10 सेकंड में ट्रेड लिया ना, उससे पहले ट्रेड लेना नहीं है। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया होता, हम उठा के देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था, 727 पे बाइंग की होती, तो ये आपका एग्जॉस्ट होता है जाके कहाँ पे, ये एग्जॉस्ट होता है जाके यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये तो कंटिन्यूशन है, ये तो कंटिन्यूशन है, ये इनडिसीजन कैंडल है, फॉलो अप बेयरिश नहीं है, फॉलो अप भी इनडिसीजन है, इनडिसीजन इनडिसीजन इनडिसीजन। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आप पास आके ये ग्रीन इनडिसीजन है, फॉलो अप है ग्रीन बुलिश कैंडल से, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड है आपको ये इनडिसीजन फिर से बाय मिला है, पर आपको कन्फर्मेशन तक बाय का नहीं है, तो सेल कंटिन्यू है। यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट मिले, देखिए कितने, 722 से 740 अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं। यहाँ भी आप देखिए, कहीं पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बुलिश इनडिसीजन, आपको ट्रेंड के खत्म होने का वेट करना है, पुराने ट्रेंड के खत्म होने का वेट करना है, तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा, कॉल प्लान कर सकते हैं। ये इनडिसीजन आया ग्रीन, उसके बाद में आपका ये कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है, आप इसके मिड पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं 722। 722 का आपका ट्रेड कहीं ना कहीं जाके देखिए हाई कितना मारा, 746, यहाँ फिर से 20-25 पॉइंट मिले हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एट द मनी काम करें, 720 चल रही है, 18700 की एट द मनी कॉल ऑप्शन में भी काम करना है, तो निफ्टी की 18700 की कॉल ऑप्शन को अगर पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, ये देखिए अगर कॉल ऑप्शन में भी काम करना है, ये मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल लाइव मार्केट में ट्रेडिंग होती है गाइस, अगर लाइव ट्रेड करना है, लाइव सपोर्ट चाहिए मार्केट के अंदर में, तो 9 से 11 डेली लाइव सेशंस होते हैं, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। 2 घंटे के अंदर में पूरे दिन की कमाई हो सकती है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, लोग इसके पेड के पैसे लेते हैं, यहाँ पे सिखाता भी बहुत कुछ चीज़ें आपको। देखिए सपोज आप 18700 की कॉल को ट्रैक कर रहे थे, राइट, आपको था कि मुझे तो कॉल बाय करनी है ना, कॉल बायर पुट राइटिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड खत्म हो रहा है, देखिए सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन है, कंटिन्यूशन है, कंटिन्यूशन है, यहाँ पे पहली बार आपको इनडिसीजन ग्रीन मिला है, क्या भाव के आसपास में, 51 रुपीज पे जब वो ऑप्शन ट्रेड करी थी। नेक्स्ट क्या फॉलोअप है, नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल है, नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल, ये फॉलोअप कैंडल थी, यहाँ पे कम से कम 52.45 पे आप एंट्री आराम से कर सकते थे, 52.40 से आपका ट्रेड 60 रुपीज तक, 8 रुपये, 50 रुपये में 8 रुपये का मतलब है मोटा मोटा आपको 14% की रिटर्न, मोर देन 14% की रिटर्न यहाँ भी आती है, और ये एग्जिट भी आपको आसानी से मिलेगा, 1 मिनट पे है, कोई भागने दौड़ने वाली बात नहीं, पूरे 1 मिनट, 60 सेकंड तसल्ली, 1 मिनट की कैंडल पे काम करके, देखिए टाइमर लगा के, ये देखिए बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल मिलती है, फिर दोबारा सेकंड बेरिश, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे कहीं एंट्री अगर की होती, 55 पे एग्जिट क्या होता, 55 पे एग्जिट क्या हुआ, ट्रेड आपका वापस से री इंस्टेट होता है यहाँ पे आके, यहाँ पे इस कैंडल पे, मतलब 56 पे, 1 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 रुपये का स्टॉप लॉस, शॉर्ट का ट्रेड आप एग्जिट करते हैं, बाय में बैठ जाते हैं। यहाँ से ये कंटिन्यूशन देखिए, जब ट्रेड मिलेगा आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा, जब ट्रेड मिलेगा जबरदस्त मिलेगा, देखिए यहाँ भी कंटिन्यूशन है, कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन, ये सब इनडिसीजन है, कंटिन्यूएशन, यहाँ पे जाके कहीं इस कैंडल पे आके आपको बेरिश सेंटीमेंट मिला है, मतलब 105 रुपीज, कहाँ से, 56 से 105, गाइस पैसा डबल, ऑप्शन बाइंग पैसा डबल कर सकती है, डेली भी कर सकती है, पर आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता सकती, मैं एक समराइज कर देता हूं इसको, आपको चाहिए बेरिश सेटअप या बुलिश सेटअप। बेरिश सेटअप के अंदर में आपके पास में एक जो अगर ग्रीन ट्रेंड है, ग्रीन ट्रेंड क्या हुआ, बुलिश ट्रेंड, ग्रीन हेकनेशिस, ग्रीन बुलिश हेकनेशिस के बाद में खत्म होने पे, ट्रेंड के वेट पे, अगर खत्म होने के पे जो आपने वेट किया, यहां पे एक इन्वर्टेड कलर का ग्रीन कैंडल थी, तो रेड कलर का आपको एक बेरिश हेकनेशी चाहिए या आपको इनडिसीजन चाहिए, इनडिसीजन या बेरिश हेकनेशी मिलता है तो वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं पुट ऑप्शंस को बाय कर। बट इस सेटअप के ऊपर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे, कभी आरएसआई लगा लेंगे, कभी ये लगा लेंगे, आरएसआई को या किसी इंडिकेटर को इसके साथ कैसे क्लब करना है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। बट यहां समझ लीजिए जो रूल बुक है, पहली बात है आपको लॉट साइज चेंज नहीं करने, एक लॉट पे काम कर रहे हैं, एक लॉट को 4 लॉट में नहीं करना, क्योंकि कभी प्रॉफिट 1 लॉट पे हुआ, लॉस 4 लॉट पे हुआ तो आपको तकलीफ होगी, आपका स्टॉक मार्केट से जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। आपके लॉट साइजेस को चेंज नहीं करना, कैपिटल लिमिटेड रखनी है, आपके प्रॉफिट में से ही आपको पंगे लेने हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैपिटल खत्म नहीं होनी चाहिए। 1 महीना अगर आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो आपसे बेटर ट्रेडर कोई नहीं होगा, आपको कैपिटल बचानी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आपका बुलिश ट्रेंड जब आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तो बेयरिश सेटअप की वेट करनी है, बेयरिश सेटअप पे आपको पुट खरीदनी है। जब बेयरिश ट्रेंड खत्म हो जाए, बुलिश सेटअप जब आपके पास में आता है तो वहाँ पे आपको एट द मनी या इन द मनी की कॉल ऑप्शन खरीदना है, उसको राइड करना है जब तक उसको एग्जिट ना मिले। करके देखिए 1 महीना कम से पेपर ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगे बैक टेस्ट कीजिए, सही लगे तो उतरिए मिनिमम एक क्वांटिटी के साथ में,
बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है मेरी एनालिसिस आपको पसंद आती है तो दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइव ट्रेडिंग करने के लिए, लाइव एनालिसिस करने के लिए ये सब स्ट्रेटेजीज बिल्कुल लाइव मार्केट में हम टेस्ट करते हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव मार्केट में। डेली मिलते हैं सुबह 9 से 11। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।